नमस्कार। संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सफेदों के वार्ड नंबर 5 में। 2013 में प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्करों के जरिए माइक्रो इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए और बाद में वो कंपनी जसवीर मलिक और उसकी पत्नी की कंपनी सारा पैसा लेके फुर हो गए। आज वो जेल में बंद है, लेकिन अपमान और तिरस्कार का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्करों की। उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं, ना उनका डिपार्टमेंट ना सरकार। लेकिन जो लोगों ने उनसे इंश्योरेंस कराया था वो अपने पैसे उनसे मांगते हैं, वो उनको पर्सनली जिम्मेवार समझते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो कहते हैं कि हमारा पैसा उन्होंने खाया है, जबकि उनके द्वारा जब बात की जाती है तो आंगनबाड़ी वर्कर कहते हैं कि हमने अपना पैसा जो इकट्ठा किया वो सारा ऊपर कंपनी में जमा करा दिया था, उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है। पर ये बात मानने को वो लोग तैयार नहीं। इसी की आज वानगी देखने को मिली सफेदों के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर महिलाओं के द्वारा आंगनबाड़ी को ताला जड़ दिया गया। अब दोनों पक्षों की सुनते हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जरा बताइए। हमको रोज बकान दी थी, अभी जानते बाज गया, जानते पकड़ा गया और कुछ नहीं पकड़ा गया जी। आप मनु धक्के खाका करा ली। हर महीने आप कितने पैसे जमा कराते थे? 200 रुपए देते थे जी, आन मेहनत करका तू मजड़कन है। 200 रुपए, जैसे कि ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, एक गरीब महिलाएं हैं जो जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 200 रुपए पूरा दिन ये धूप में चलते हैं, तब जाके कहीं ये 200। यहाँ पर हमारे भाई भी हैं, हम जानना चाहेंगे सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, कितने का फ्रॉड हुआ है, कितने लोगों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ ये फ्रॉड किया गया है। ये लाखों करोड़ों रुपये का घपला हुआ है और यहाँ पर मतलब तकरीबन मोहल्ले की जो भी लेडीज़ है सभी की सभी सभी का बीमा हुआ है। और ये नहीं है कि भाई यहाँ यहाँ पर है, ये बार भी इन्होंने बीमा किया, झूठ बोल के ये बीमा करवाया गया कि भाई आपके ना पैसे 7 साल में या 5-10 साल में डबल हो जाएंगे और अच्छे से आपको पैसे मिलेंगे। बीमे की किस्त ये 200-200 रुपये हर महीने जाती थी, साइन करवा के ले आती थी, अगर लेट हो जाते थे तो 20 रुपये फाइन लेते थे इनसे। तो जैसे कि बताया जा रहा है वो 200 रुपये हर महीने लेते थे, तो क्या उसके एवज में वो कोई रसीद भी देते थे? नहीं, हमारे कार्ड पे ना साइन मिलते थे उसके, 200 रुपये लेकर जैसे वो कार्ड था साइन जी। ये जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये वो कार्ड उनके द्वारा बनाया गया एक कार्ड है जिसपे वो हर महीने वो किश्तें लिख दिया करते थे ना। वो पॉलिसी बॉन्ड है जो वो दिया गया है, इन्होंने रोहतक के LIC ऑफिस में जब पता कराया तो पता चला कि ये पॉलिसी बॉन्ड तो बना है, उसके बाद एक भी किश्त वो जमा नहीं की गई है। तो आपने जैसे कहा कि लाख करोड़ों का घोटाला है, घपला है, तो आप अब हम एक आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक महिला है वो हमें बताना चाहेंगी, जैसे कि आपने उनसे संपर्क करना चाहा और आपने उनसे पूछना चाहा भाई हमारे पैसे देंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया? जब तो नहीं कह रही थी जी, तो आ जाऊंगी मैं, वे पैसे वे नहीं देंगे तो मैं दूंगी, मैं कंपनी चली जाओगी तो मैं तो जिंदा हूँ। अब उनका क्या कहना है? वो दिन दिन जावे तो कभी किसी ने सिखा के गाली दुआ कर कभी किसी ने जी। एक दिन गए थे अमर, मेरे तो 3 साल भर रखे जी, ना तो मेरे तक कोई सबूत दे रखे ना कुछ जी। हम यहाँ शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे, यहाँ पर लाख करोड़ों का घोटाला हुआ है, अगर इसको अच्छे से छानबीन की जाए तो परत दर परत इसमें से और भी कुछ नाम सामने आ सकते, ये हो सकता है कि ये पूरा एक गिरोह हो जो एक स्कैंडल है, शायद वो बहुत सारे लोग या कुछ प्रशासनिक अधिकारी या फिर LIC के या आंगनबाड़ी के कुछ अफसर बीच में शायद मिले हो सकते हैं। अगर इसकी पूरी जांच की जाए तब ये सारा मामला सामने आएगा। संसार क्रांति की टीम अब पहुंची है लक्ष्मी चोपड़ा जी के पास, जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इन गरीब महिलाओं के पैसे खाए हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। आइए हम जानते हैं जी, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी जी, आप किस आंगनबाड़ी, कौन से वार्ड के आंगनबाड़ी? 5 वार्ड। 5 वार्ड। जैसे कि महिलाएं आरोप लगा रही हैं आपने किश्तें ले ली लेकिन आगे जमा नहीं कराई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने जो भी पैसा इनसे लिया हमने आगे दिया है जी। वो बीच वाला खा गया, हम इसके जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हम भी कह रहे हैं अगर नहीं देंगे तो हम देंगे जी। सामाजिक तौर पर तो आप जिम्मेवार हैं। हाँ, वो तो जिम्मेवार हों, जब मैंने उनको दे दिए तो मेरे तो हाथ बंद गए जी, क्योंकि क्योंकि ये आपके पड़ोसी भी हैं, आपकी कम्युनिटी के। मना तो नहीं करी इस बारे में, मैं ही कर रही हूँ, वो मना कर रहे हैं तो मैं देऊंगी जी। इस्तेमाल लो पड़ी जी। जैसे कि आप नाम ले रहे हैं बीच वालों का, तो वो कौन शख्स है, उनके नाम जानना चाहेंगे? ये कहाँ से है? ये इधर गाँव है कोई, खातला है, पता नहीं आस पास, ध्यान नहीं इसमें। एजेंट
हाँ, उसकी घरवाली थी अनीता जी, और एक एजेंट है यहाँ का गांगोली का, उसका नाम जोरा सिंह है, ठीक है, और उनके ऊपर था वो जसवीर मलिक जी होली का जी। तो ये लोग सारा फ्रॉड ये लोग करके गए हैं या इनके ऊपर भी किसी ने किया? इनके ऊपर शमशेर के ऊपर जसवीर मलिक था, ओके, वो उन्होंने बीच में खाया, उन्होंने खाया। अभी अब वो लोग क्या कहते हैं, कहाँ पर हैं? कहते वो हमारी कोई बात नहीं होती उनसे, हम केस पे गए, तारीख पे गए हम, जींद में कई बार हमारी तारीख हुई है, लेकिन वो हमारे से बात नहीं करने देते, वकील भी और भी जो उनके गार्ड हैं, उसकी वाई खाती है, गाड़ी में उतर के सीधी कोर्ट में हमारे बयान होते हैं, बस बात खत्म। मतलब वो केस में अंदर हैं आप सभी? हाँ, लोग उसकी घरवाली अंदर है जी। जी जी, ये थे लक्ष्मी चोपड़ा जी, जो कहते हैं फ्रॉड उनके द्वारा नहीं, उनके ऊपर जो पहले उनके द्वारा किया गया है। और इस बारे में क्या आपके पास कोई सबूत, कोई दस्तावेज है? मेरे पास है जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे वो सबूत, ठीक है जी। अभी हम पूरे डॉक्यूमेंट की जो सत्यापना है वो करेंगे, उनको तस्दीक करेंगे, उसके बाद कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मामला आखिर हुआ क्या, और अवेयर करेंगे आपको अपने अड़ोस पड़ोस पे जो भी धोखाधड़ी है उससे बचने के, कि आप किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास ना करें, उससे पक्की रसीद लें, ना कि उसके हाथ की बनी, इससे सरकारी जो LIC की जो रसीद है वो लें, हमेशा सतर्क रहें। सफीदो से वार्ड नंबर 5 से संसार क्रांति के लिए कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं यशपाल कंचन।